फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, फिल्मों का फ्लोर पर आना और फिर किसी न किसी वजह से उनका बंद हो जाना एक आम बात है। ऐसी एक बड़े बजट की फिल्म 2 साल पहले बंद हो गई थी। यह फिल्म थी संजय लीला भंसाली की इंसा अल्लाह। वहीं हम आपको बताते चले तो इसमें भंसाली के पसंदीदा सलमान खान और आलिया भट्ट लीड रोल में थे, लेकिन कुछ हिस्से की शूटिंग होने के बावजूद यह फिल्म नहीं बन सकी। अब इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं हम आपको बताते चले तो सलमान खान और संजय लीला भंसाली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जब भंसाली प्रोडक्शन की ओर इंसा अल्लाह का अनाउंसमेंट किया गया तो सभी एक्साइटेड हो गए थे। सलमान खान और भंसाली की जोड़ी की फिल्म को सभी देखना चाहते थे, लेकिन जब यह फिल्म बंद हुई तो सभी का दिल टूट गया। वहीं हम आपको बताते चले तो संजय लीला भंसाली की यह फिल्म साल 2020 में ईद पर रिलीज होने वाली थी। फिल्म के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा था। रूपीन को सेट डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिली थी। रूपीन के मुताबिक फिल्म के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भंसाली और सलमान खान के क्रिएटिव डिफरेंस के कारण फिल्म बीच में ही बंद हो गई। सलमान खान और संजय लीला भंसाली की जब वाइब्स मैच नहीं हुई तो सलमान ने फिल्म से निकलने का फैसला कर लिया और फिल्म बीच में ही रुक गई। वहीं हम आपको बताते चले तो रूपीन ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि कारण जो भी रहा, लेकिन फिल्म बंद हो गई। भंसाली और सलमान एक साथ काम नहीं करना चाहते थे। मैं 1 साल पहले से फिल्म के सेट की तैयारी को लेकर भंसाली के साथ काम कर रहा था। हम लोकेशन के लिए 3 महीने तक USA रहे थे। मॉडर्न अप्रोच के साथ बड़े स्तर पर यह फिल्म बनने वाली थी। 9 महीने के बाद हमने करीब 24 सेट डिजाइन किए। 3 सेट बनना शुरू कर दिए थे जिसमें से एक भी बन गया था। आलिया फिल्म्स के कुछ हिस्से के लिए शूटिंग भी कर चुकी थी। 2रा सेट भी बनकर तैयार होने वाला था और इसमें 3 दिन बाद शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन सब कुछ बंद करना पड़ा। रूपीन का कहना है कि मैंने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके जरिए मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। संजय लीला भंसाली काफी क्रिएटिव है और उनके साथ काम करते हुए काफी कुछ सीखने को मिलता है। वही हम आपको बताते चले तो रूपीन ने रावण हैप्पी एंडिंग की एंड कार्ड, यर जिंदगी, पैडमैन और बहुत सारी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन किए हैं। वही हम आपको बताते चले तो अभी मेकर्स की तरफ से इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ कि सलमान खान ने इंसा अल्लाह फिल्म को क्यों छोड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।